हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और आज मैं आपको छोटी इलायची के बारे में बताऊँगी जैसे एला बोलते हैं बोटानिकल नेम एलेक्टेरिया कार्डमम है और जनजबरेस फैमिली से है इसके थोड़े से गुण मैं पहले बता देती हूँ तो ये थोड़ी तिक्त कटु मधुर तीनों ही हैं आप इसको ये बीज को अगर खा के देखेंगे तो ठंडी होती है आ, लाइट फॉर डाइजेशन है और आ, स्मेल सुगंधित है अच्छी स्मेल आती है आपको पता ही है हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और जो खांसी जुकाम है उसके अंदर भी इसका प्रयोग होता है मूत्र अशमरी मतलब कि जो आपके रीनल डिजॉर्डर्स हैं स्टोन्स हैं उसमें भी हेल्पफुल है अब सबसे पहले इसका प्रयोग देख लेते हैं सर अगर आपका सर दर्द बहुत कॉन्टिन्यूसली रहता है तो दो छोटी इलायची एक बड़ी इलायची और एक ग्राम कपूर लेके इनको पीस के ना आप इसका लेप लगाइए सर पे फोरहेड पे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा सेकंड है कि आँखों के लिए इसको कैसे यूज़ करें तो एक चम्मच हनी के साथ एक इलायची का रोज़ प्रतिदिन आप इसका यूज़ करो इससे दृष्टि जो है हमारी बढ़ती है और ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है उसको बल देता है और स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है तो इसका यूज़ करना चाहिए दूसरा है मुख रोग के लिए मुख रोगों में आप कैसे यूज करेंगे इसको समान मात्रा में दालचीनी नागर मोथा इलायची और धनिये का चूरन आप मिला लेंगे और फिर 125 सौ के डोजेज में आप इसको लेंगे तो ये आपके मुंह के रोगों के लिए बहुत अच्छा है और ये ये जो चूरन है इससे आप इसका गोल बना के पानी में इससे आप गरारे कर सकते हैं तो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आपको माउथ हल्सर हैं या पायरिया की प्रॉब्लम है तो इसी चूरन का आप पानी में आ, मिला के यूज़ कर सकते हैं कंठ रोगों में मतलब गले के रोगों में आप कैसे यूज़ करेंगे आ, इसको जैसे कि श्वास जैसे खांसी जुकाम आपको होता है तो उसमें आप इलायची लेंगे और काली मिर्च लेंगे दोनों समान मात्रा में इसको पानी में उबालेंगे जैसे कि आपने सौ एम पानी लिया तो उसको पच्चीस एम तक आप कम रिड्यूस कर दें और फिर सुबह शाम इसका यूज करना है आपको तो ये खांसी जुकाम में आपको हेल्पफुल रहेगा हृदय के रोगों में हार्ट डिसऑर्डर्स के अंदर इलायची के चूर्ण को पिपली मूल चूरन के साथ इक्वल क्वांटिटीज़ में मिलाना है बराबर और उसको दोगुने घी के साथ मिलाकर खाने से जो हृदय रोग है मतलब जो हार्ट डिजीजेस हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा फायदा मिलता है अगर उल्टी की समस्या है तो उल्टी में आप 500 हंड्रेड इसका चूरन लेंगे आपकी इलायची का इसमें मधु मिलाएंगे मिश्री मिलाएंगे और इसका सेवन करेंगे तो उल्टी जो है वो बंद हो जाती है इलायची का बड़ा अच्छा प्रयोग है इसके अंदर अजीर्ण रहता है मतलब इनडाइजेशन है एसिडिटी है कॉन्स्टिपेशन है मतलब पेट के जो भी सारे रोग हैं उसमें आप क्या करेंगे एक पक्का केला रात को सोते टाइम इलायची के साथ लेंगे एक इलायची के साथ तो इससे आपके पेट के रोगों में बहुत फायदा होगा अगर यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे 20 से 25 एम एला का क्वाथ जो है वो बनाएंगे एला मतलब यहाँ पे इलायची और उसमें एक दो ग्राम शिलाजीत मिला के यूज़ करेंगे तो जो किडनी के स्टोनस हैं उसमें ये मदद करता है या ये प्रॉब्लम अगर आपको यूरिन में आ रही है उसमें मदद करता है तो ये सारे जो योग थे या ये सारे प्रयोग थे ये इलायची के थे तो जो भी आपको समस्या है तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं एक सावधानी ये रखनी है कि गोल ब्लैडर स्टोन जिसको है उसको इलायची का प्रयोग नहीं करना चाहिए उससे आपका दर्द बढ़ सकता है अगर आप इसका नियमित सेवन कर रहे हैं तो उसको रोक दीजिए तो इसके जो प्रयोजांग हैं मतलब इसके कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं बीज फल और इसका तेल ये बीज का ही तेल जो है वो यूज़ होता है और इसको इसकी मात्रा होनी चाहिए करीब 500 मिलीग्राम से एक ग्राम तक का आप इसको इसका डोजेज ले सकते हैं एक दिन में तो ये सारी चीज़ें थी आपके इलायची के बारे में और इसका आप यूज़ करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम तब तक के लिए टेक के